आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। नया भारत जो आत्मनिर्भर भी है और नंबर वन भी है, पर कुछ समय पहले भारत की ये पहचान नहीं थी। छोटी से छोटी जरूरत के लिए भारत अन्य देशों पर निर्भर था। निर्भर से आत्मनिर्भर भारत पीएम मोदी के मेक इन इंडिया संकल्प से बना। वही मेक इन इंडिया जिसे विपक्ष ने फेक इन इंडिया बताया था, उसी मेक इन इंडिया योजना से आज भारत न केवल खिलौने से लेकर मिसाइल तक का उत्पादन देश में कर रहा है, बल्कि अन्य देशों को भी निर्यात कर रहा है। मेक इन इंडिया ही नहीं, कांग्रेस ने डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गो टू योर विलेज फेयर, बाय पोटैटोज एंड टोमेटोज एंड पे 7 rupees 50 paisa बाय क्रेडिट कार्ड। व्हाट विल द पुअर लेडी डू? डस शी हैव अ पीओएस मशीन देयर? इज इट कनेक्टेड टू अ इलेक्ट्रिसिटी सोर्स? इज देयर वाईफाई देयर? इज इंटरनेट वर्किंग देयर? पर आज वही भारत डिजिटल इंडिया की वजह से ऑनलाइन पेमेंट में चीन, अमेरिका जैसे देशों को पछाड़ चुका है, बल्कि डिजिटल क्षेत्र में भारत अन्य देशों के लिए रोल मॉडल है। डिजिटल और मेक इन इंडिया क्रांति का सबसे अधिक लाभ स्टार्टअप इकोसिस्टम को मिल रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जहाँ स्टार्टअप की संख्या 92,000 के पार और यूनिकॉर्न की संख्या 105 पहुंच चुकी है। जब पूरा विश्व कोरोना के आगे घुटने टेक चुका था, तब भारत ने एक साथ दो दो मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन देकर विश्व को अपने कौशल और आत्मनिर्भरता का प्रमाण दिया। कम समय में रिकॉर्ड तोड़ लोगों को देश में कोरोना वैक्सीन लगी, साथ ही 100 से अधिक देशों को भारत ने कोरोना वैक्सीन भी निर्यात की। संकट की घड़ी में भारत के पैर न डगमगाए और न ही रुके। त्रासदी के दौर में ब्राजील को पीछे छोड़कर भारत अरब देशों को फूड सामान निर्यात करने में नंबर एक बना, साथ ही दूध और चीनी उत्पादन में भी आज भारत नंबर वन है। देश वही, संसाधन भी वही, फर्क था केवल नियत और नीतियों का। साफ नियत और मजबूत नेतृत्व के चलते आज भारत आत्मनिर्भरता की एक नई पहचान पा रहा है और पूरा विश्व आज भारत की ओर एक नई आशा से देख रहा है।